वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के चलते जहां हिमाचल प्रदेश में 3 जून तक कर्फ्यू जारी है, तो वहीं शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने की सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। वहीं कर्फ्यू के बीच सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा स्कूल भी है जिसने नियमों को ताक पर रखते हुए न केवल छात्रों को स्कूल में बुलाया बल्कि अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने के आदेश भी दिए। बिलासपुर जिला के कोट कहलूर थाने के अंतर्गत SBM बैल स्कूल में कर्फ्यू के दौरान छात्रों को स्कूल में बुलाकर पढ़ाने की जानकारी मिली तो एक व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही नैना देवी पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन की तो पाए कि वायरल वीडियो सही है। वहीं स्कूल की लापरवाही को लेकर कोट कहलूर थाने में IPC के धारा 188, 270 व 51 DM एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी देते हुए DSP नैना देवी संजय शर्मा ने बताया कि SBM बहल स्कूल प्रबंधक द्वारा क्लासेस शुरू करने और छात्रों को पढ़ाने का वीडियो सामने आते ही थाने के SHO द्वारा मौके पर जाकर जायजा लिया गया, जिसके बाद तथ्यों के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। इसके साथ संजय शर्मा ने जिला के स्थानीय लोगों व स्कूल प्रबंधन से कर्फ्यू को लेकर जारी सरकारी आदेशों का पालन की अपील करने व लापरवाही सामने आने पर उचित कार्रवाई करने की बात भी कही है। बहल से रिलेटेड है, वहाँ पे कार के विद्या मंदिर स्कूल है, जहाँ से हमें मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था। पता लगा था कि वहाँ पे स्कूल प्रशासन ने क्लासेस शुरू कर दी, जिसके बारे में वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे SHO साहब वहाँ पे गए थे और वहाँ पे कंप्लेन हमें प्राप्त हुई, वेरीफाई किया गया फैक्ट्स को और उसमें भी FIR दर्ज कर दी। मेरा लोगों से अनुरोध रहेगा कि जो भी आदेश SOPs गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई हैं उनका पालन करें, उनका कृपया उल्लंघन ना करें। उल्लंघन करने पर पुलिस को कानूनी कार्यवाही करनी है और करेगी।